गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो इन प्रीवियस लेक्चर वी आर कम्प्लीटेड टू पेज नंबर थ्री थर्टी टू पेज नंबर थ्री थर्टी टू के मिड में थे हम लोग बराबर है वी वेर स्टडिंग लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में हमने नंबर सीरीज कोडिंग डी कोडिंग मैन आउट डायरेक्शन सेंस टेस्ट ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक सीखा था क्या क्या उस चैप्टर में बराबर है कि नहीं ये चारों चैप्टर का मिला के बेसिक जितना है उतना तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आधा पार्ट है वैसे देखा जाए तो यस और नो तो चलो बट अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे उससे अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एज़ फार एज़ एल आर इज कंसर्न ठीक है बच्चो यस चलो सिक्स इलेवन अब ये कौन सा क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का है किसका है नंबर सीरीज अभी ऐसे समझो कि तुम्हें सॉल्व करना है इसके आगे के क्वेश्चन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में सपोर्ट के लिए हूँ ऐसे समझो ठीक है बच्चों कोई गड़बड़ नहीं अपने को आराम से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है चलो बोलो सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स बोलो सिक्स में क्या ऐड किया प्लस फाइव किया तो क्या आया एलेवन इलेवन में क्या किया प्लस टेन तो क्या आया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में प्लस फिफ्टीन किया तो क्या आया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में प्लस ट्वेंटी किया तो फिफ्टी सिक्स अब प्लस ट्वेंटी फाइव करना पड़ेगा फिर क्या आंसर है एटी वन एटी वन इज आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टफ था बच्चों ये एटी वन इज आंसर, डू यू एग्री पक्का चलो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड टेन वॉट नेक्स्ट मेरे ख्याल से टेन में नाइन्टी ऐड किया तो क्या आया हंड्रेड फिर हंड्रेड में हंड्रेड ऐड किया टू हंड्रेड फिर हंड्रेड एंड ऐड किया थ्री टेन अब क्या ऐड होगा वन ट्वेंटी ऐड होगा तो आंसर इज फोर थर्टी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी थर्टी सिक्स इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव बहुत बेसिक क्वेश्चन है इलेवन बराबर है ना क्या है थर्टीन देन सेवेंटीन देन नाइनटीन देन ट्वेंटी थ्री देन ट्वेंटी फाइव बोलो इसमें क्या ऐड किया प्लस टू प्लस फोर देन प्लस टू प्लस फोर प्लस टू या अभी प्लस फोर होगा प्लस फोर तो क्या आंसर है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन इज आंसर सही है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्वेंटी नाइन इज आंसर सॉल्व कर रहे हो क्या मेरे साथ सब लोग समझ में आ रहा है क्या सबको पक्का चलो नेक्स्ट सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी वन थर्टी थ्री बोलो सिक्स में क्या ऐड किया है प्लस सिक्स किया तो क्या आया ट्वेल्व ट्वेल्व में प्लस नाइन किया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में ट्वेल्व कर दिया तो थर्टी थ्री एड बराबर है थर्टी थ्री में फिफ्टीन ऐड होगा आंसर फोर्टी तो हमेशा ऐसे एडिशन वाला क्वेश्चन आता है क्या बट वो बहुत बार आता है इसलिए वैरायटी ज़्यादा दिया है यहाँ पे समझ आ गया कभी एडिशन रहेगा कभी सब्ट्रैक्शन रहेगा समझ है समझा आपको ये नेक्स्ट टू फाइव नाइन फोर्टीन क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी सेवन हाँ बोलो कैसे टू प्लस थ्री टू में थ्री ऐड कर दिया तो कितना आया फाइव फिर फाइव में फोर ऐड कर दिया तो क्या आया नाइन फिर नाइन में फाइव ऐड किया तो क्या आया फोटीन फोटीन में सिक्स ऐड करना पड़ेगा तो क्या आएगा ट्वेंटी एंड फिर ट्वेंटी में क्या ऐड होगा सेवन ऐड होगा तो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन टैली हो रहा है क्या ये yes. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी इज़ द मिसिंग फिगर सही है चलो नेक्स्ट इलेवन ट्वेंटी वन डैश फिफ्टी सिक्स एटी वन बोलो इलेवन में क्या ऐड किया है एवन में टेन ऐड किया प्लस टेन तो क्या आता है ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी वन में फिफ्टीन ऐड करो तो क्या आता है थर्टी सिक्स आपको ऐसे कहाँ से लाया आप लोग क्योंकि मैं जानता हूँ कि थर्टी सिक्स में ट्वेंटी ऐड करने के बाद फिफ्टी सिक्स आने वाला है तो मैं सामने ट्वेंटी था ट्वेंटी ऐड हुआ था इसी के एंगल से बीच में फिफ्टीन लिया फिर उसके बाद में फिफ्टी सिक्स में क्या ऐड होगा ट्वेंटी फाइव तो ये टैली होता है क्या एटी वन ये नंबर भी टैली हुआ तो मिसिंग फिगर क्या है थर्टी सिक्स मिसिंग फिगर इज़ थर्टी सिक्स टेन ऐड हुआ फिफ्टीन ऐड हुआ ट्वेंटी ऐड हुआ ट्वेंटी फाइव ऐड हुआ तो मिसिंग नंबर थर्टी सिक्स है सही है बच्चो चलो नेक्स्ट बोलो टेन एटीन ट्वेंटी एट फोर्टी फिफ्टी फोर बोलो टेन में क्या ऐड हुआ एट एट ऐड हुआ तो कितना आया एटीन एटीन में क्या ऐड हुआ टेन तो क्या आया ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में क्या ऐड होगा ट्वेल्व तो 40 फोर्टी में 14 ऐड किया तो फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में सिक्सटीन ऐड होगा तो 70 एंड सेवेंटी में 18 ऐड होगा तो एटी एट ये टैली हो रहा है तो मिसिंग नंबर इज 70 मिसिंग नंबर इज़ सेवेंटी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का करेक्ट आंसर इज़ ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी का करेक्ट आंसर इज ए सही है फोर्टी वन वन नाइन्टी फाइव वन सिक्सटी एट वन फोर्टी थ्री वन ट्वेंटी एटी या तो डिफरेंस से जा सकते हैं या देखो ये जो वन नाइन्टी फाइव मुझे बताओ फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है तो इज इट फोटीन स्क्वायर माइनस वन कितना होता है फोर्टीन स्क्वायर माइनस वन वन नाइन्टी फाइव मुझे बताओ थर्टीन स्क्वायर माइनस वन वन सिक्सटी एट सही है क्या फिर 12 स्क्वायर माइनस वन वन थ्री फिर 11 स्क्वेयर माइनस वन वन ट्वेंटी सही है क्या फिर टेन स्क्वायर माइनस वन नाइन्टी नाइन सही है क्या फिर लास्ट में नाइन स्क्वेयर माइनस वन एटी टैली हो रहा है क्या तो बोलो मिसिंग नंबर क्या है नाइन्टी नाइन इज आंसर मिसिंग नंबर इज़ नाइन्टी नाइन टफ था जो ये मिसिंग नंबर इज़ नाइन्टी नाइन एक पैटर्न आपको फाइंड करना है बस चलो नेक्स्ट एट टेन फोर्टी फोर्टी टू वन सिक्सटी एट वन सेवेंटी मेरे ख्याल से एट में टू ऐड किया तो कितना आया टेन फिर टेन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया फोर्टी फिर फोर्टी में टू ऐड किया फोर्टी टू फिर उसको फोर से मल्टीप्लाई किया वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट में टू एड किया वन 170 वन को फोर से मल्टीप्लाई किया सिक्स एटी सिक्स एटी में टू ऐड किया बोलो सिक्स एटी टू टू को फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू सेवन टू एट तो करेक्ट आंसर इज टू सेवन टू एट ऑप्शन सी टफ था क्या बच्चों क्या किया प्लस टू इंटू फोर प्लस टू इंटू फोर प्लस टू इंटू फोर सही है तो फाइनल आंसर इज टू सेवन टू एट इतने क्वेश्चन भी इज्जत से करोगे तो आपको एक समझेगा कि भाई क्या हो सकता है एग्जाम में बाकी वो तो वहीं पे देखना है क्या क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट ट्वेंटी एट थर्टी थ्री थर्टी वन थर्टी सिक्स थर्टी फोर वॉट नेक्स्ट हाँ बोलो मेरे ख्याल से ट्वेंटी एट में पाँच ऐड किया थर्टी थ्री आया थर्टी थ्री से दो डिडक्ट किया थर्टी वन थर्टी वन में फाइव ऐड किया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स से दो डिडक्ट किया थर्टी फोर अब थर्टी फोर में फाइव ऐड होगा आंसर इज थर्टी नाइन आंसर इज थर्टी नाइन ऑप्शन बी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का करेक्ट आंसर इज बी फोर्टी थ्री का करेक्ट आंसर इज बी सही है क्या भाई पक्का चलो नेक्स्ट फाइव सेवन सिक्स जीरो ये तो मेरे ख्याल से सॉल्व किया ऑलरेडी फाइव सेवन सिक्स जीरो दिख रहा है ना फाइव सेवन सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स करो या इंटू वन बाय सिक्स करो बात है कितना था नाइन सिक्सटी फिर नाइन सिक्सटी डिवाइडेड बाय फाइव कितना था वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू डिवाइडेड बाय फोर फोर्टी एट तो फोर्टी एट इज़ द मिसिंग नंबर फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री टैली होता है क्या चेक करो सिक्सटीन एंड सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू एट ये भी टैली हो रहा है तो मिसिंग नंबर इज फोर्टी एट मिसिंग नंबर इज फोर्टी एट आई होप यू अंडरस्टुड मिसिंग नंबर फोर्टी एट नेक्स्ट टू थ्री थ्री फाइव टेन थर्टीन थर्टी नाइन फोर्टी थ्री क्वेश्चन मार्क वन सेवेंटी सेवन बोलो देखो टू में वन एड किया तो क्या आया थ्री फिर थ्री को इन टू वन किया कितना आया थ्री फिर वापस प्लस टू किया तो क्या आया फाइव फिर इंटू टू किया क्या आया टेन फिर अब प्लस थ्री होगा क्या आएगा थर्टीन फिर इंटू थ्री होगा थर्टी नाइन फिर अब क्या होगा प्लस फोर बोलो फोर्टी थ्री फिर अब इंटू फोर होगा वन सेवेंटी टू फिर क्या होगा प्लस फाइव क्या आंसर है वन सेवेंटी सेवन एंड नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा इंटू फाइव तो बताओ मिसिंग नंबर क्या है वन सेवेंटी टू ऑप्शन बी पैटर्न समझा क्या आपको प्लस वन क्या इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फोर समझ रहा है तो मिसिंग नंबर इज वन सेवेंटी टू सही है बच्चों, नेक्स्ट इफ रमन इज रिटर्न एज वन टू थ्री फोर फाइव दिनेश इज रिटर्न एज अभी देखो बच्चों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कोई स्कूल का बच्चा सॉल्व कर सकता है ये रमन इज कोडेड आप वो रम वो लेटर का नंबर वगैरह पे मत जाओ आर का कोड क्या है वन ए का टू एम का थ्री ए का टू ए का टू ऑलरेडी ऊपर है लिखा हुआ देखो एन क्या है फाइव सही है एंड दिनेश इज रिटर्न एज सिक्स तो डी के लिए क्या कोड है बोलो सिक्स है या नहीं आई के लिए क्या कोड है सेवन एस और नो फाइव किसके लिए है एन फोर किसके लिए Four. Four किस लिए फोर फोर किसके लिए ई के लिए नहीं समझा आपको उसके बाद हाँ बोलो एट किसके लिए एस के लिए एंड नाइन किसके लिए किस लिए एच के लिए क्या है नाइन वैसे ए जो एट ए टू डबल लिखने की जरूरत नहीं बराबर है ना एस और नो तो आप बताओ चो हर एक लेटर के लिए उन्हें एक नंबर रखा है कि नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन डू यू एग्री हाँ चलो बोलो हाउ हमाम इज रिटर्न एज तो एच के लिए क्या कोड है बताओ एच के लिए क्या कोड है नाइन ए के लिए टू एम के लिए थ्री ए के लिए टू एम के लिए थ्री ना थ्री टू सॉरी नाइन टू थ्री टू थ्री ऑप्शन ए तो फोर्टी सिक्स आंसर ए है इसमें डाउट है क्या यार बोनस मार्क्स है कि नहीं है नेक्स्ट इफ रेड इज कोडेड एज ग्रीन वुड बी कोडेड एज आप करोगे सॉल्व हाँ करो और मुझे आंसर बताओ इफ रेड इज कोडेड एज सिक्स सेवन टू जीरो आपको खुद सॉल्व कर आंसर देखिए किसी को भी समझता है क्या है उधर अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर वाला बुक है तो आपने वो नहीं देखना चाहिए आपने स्क्रीन पे देख के सिर्फ खुद सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए If red is coded as 6720, green would be coded as. Green would be coded as. Option C. यस, हो गया किसी का चलो बताओ रेड इज कोडेड एज क्या था सिक्स सेवन टू जीरो क्या आर ई डी अच्छा ई e का लेटर नंबर क्या है सेवन है ना? डी का डी का फोर है ना? एंड आर आर सामने से एटीन है क्या एटीन है ना? तो रेड को पहले रिवर्स किया फर्स्ट रिवर्स करो तो रिवर्स करके क्या आता है बताओ डी ई आर डी ई आर एंड फिर अब बताओ डी का लेटर नंबर क्या है डी का लेटर नंबर क्या है बताओ डी का लेटर नंबर फोर है फिर ई का फाइव है एन आर का एटीन है एड टू टू इट एड टू तो सिक्स में टू ऐड करो सॉरी फोर में टू ऐड करो सिक्स सेवन टू ज़ीरो देखो सिक्स सेवन टू जीरो इसका कोड है नहीं समझा आपको सिक्स सेवन टू जीरो और क्या बोल रहा है अभी ग्रीन वुड भी कोडेड एज जी आर ई ई एन अभी जो ये रेड के साथ हुआ वही इसके साथ करो आप तो बोलो पहले रिवर्स इट करो एन ई आर जी सही है क्या चलो एन का लेटर नंबर बताओ फोर्टीन क्या ई का फाइव फाइव आर का एटीन जी का सेवन तो कोड इज कोड फॉर ग्रीन इज प्लस टू करना पड़ेगा ना भाई बोलो वन सिक्स सेवन सेवन टू जीरो नाइन सही है क्या वन सिक्स सेवन सेवन टू जीरो नाइन ऑप्शन सी सही है क्या करना है प्लस टू करना था ना आपको तो फाइनल आंसर बताओ क्या रहेगा बोलो वन सिक्स सेवन सेवन टू जीरो नाइन प्लस टू कर लिया मेरे भाई तो ये जो प्रोसीजर लेफ्ट में किया था वही अप्लाई कर दिया ना इधर हाउ मैन अंडरस्टूड दिस समझा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या आपको ये ठीक है ठीके. आंसर इज कोड फॉर ग्रीन वन सिक्स सेवन सेवन टू जीरो नाइन नेक्स्ट य brother is coded as, okay चलो brother b r o t h e r तो चलो b का कोड क्या है 2 r का 4 5 6 7 8 एंड आर का फोर है तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग सिस्टर इज कोडेड एज एस का कोड नाइन आई का कोड वन एस का कोड नाइन है टी का कोड सिक्स ऑलरेडी है ई e का कोड एट ऑलरेडी है आर का कोड ऑलरेडी फोर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये सब आ गए ना यहाँ पे देन वॉट इज कोडेड फॉर व्हाट इज कोडेड फॉर हाँ बोलो बी ओ आर बी ई आर एस बोलो बी के लिए क्या था टू फाइव फोर टू एट फोर नाइन ऑप्शन ए इज इट ऑप्शन ए टू फाइव फोर टू एट फोर नाइन सही है मेरे भाई नेक्स्ट इफ दिल्ली इज कोडेड एज क्या बोल रही है दिल्ली इज कोडेड एज हाँ बोलो जल्दी बताओ सेवन थ्री फाइव फोर वन सही है देन कलकत्ता इज कोडेड एज एट टू फाइव एट नाइन सिक्स सिक्स टू ध्यान है देन कालिकत सी ए एल आई सी यू टी इज़ कोडेड है सी की जगह क्या है बताओ एट ए की जगह क्या है टू एल की जगह फाइव आई की जगह वन सी की जगह एट यू की जगह पे नाइन टी के लिए सिक्स तो एट टू फाइव वन एट टू फाइव वन एट नाइन सिक्स इज इट ऑप्शन सी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्टी नाइन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अब ऑनेस्टली बताओ ये बहुत इजी है कि नहीं इफ क्लॉक इज कोडेड एज क्लॉक सी एल ओ सी के इज कोडेड एज बोलो थ्री फोर टू थ्री फाइव उसके बाद बोलो टाइम इज कोडेड एज बोलो टाइम इज कोडेड एज टी आई एम ई टाइम इज कोडेड एज एट सिक्स सेवन नाइन व्हाट विल बी द कोड फॉर मोटल एम ओ टी ई एल व्हाट विल बी द कोड फॉर मोटल बोलो एम के लिए क्या कोड है सेवन ओ के लिए टू टी के लिए एट ई के लिए नाइन एल के लिए फोर सेवन टू एट नाइन फोर सेवन टू एट नाइन फोर इज इट ऑप्शन ए टफ था बच्चों ये चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इन द सिस्टम नेम इज रिटर्न एज एन एम ई इज रिटर्न एज बोलो फोर टू फाइव एट देन मीन इज रिटर्न एज मीन हा बोलो एम फाइव ई एट ए टू एंड ई फोर आंसर इज देअर इज फाइव एट टू फोर ऑप्शन फाइव एट टू फोर इज इट ऑप्शन डी तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन करेक्ट आंसर इज डी सही है क्या मेरे भाई पक्का नेक्स्ट इफ गोल्ड इज रिटर्न एज गोल्ड का कोड क्या है गोल्ड इज रिटर्न एज आई क्यू एन एफ तो जी में प्लस टू हुआ क्या ओ पी क्यू प्लस टू एल एम एन डी ई एफ प्लस टू तो सब जगह प्लस टू हुआ हाँ है देखो प्लस टू हुआ हाँ है कि नहीं देन विंड कैन बी रिटर्न एज बोलो प्लस टू कर दो हर जगह पे बोलो W X Y I J K N O P D E F F, F ना तो बोलो क्या कोड है Y K P F इज आंसर Y K P F इज द आंसर ऑप्शन बी Y K P F प्लस टू करना है ना हर जगह पे इतना जो, देख के समझता है कि बाद में कभी नेक्स्ट इफ रोज इज रिटर्न एज रोज इज रिटर्न एज हम्मी क्यू यू जी क्या क्या बता प्लस टू है क्या ओपी क्यू एस टी यू ई एफ जी बराबर है ना हर जगह पे प्लस टू है बच्चो है या नहीं प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू हाँ क्या बताइए टी क्यू U G, then biscuit can be written as. Biscuit can be written as हाँ बोलो plus two कर दो हर जगह पे plus two कर रहे हो क्या हर जगह पे हाँ बोलो क्या आता है हाँ क्या D K U E W K क्या अरे श्योर वी तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए अरे श्योर आंसर इज ऑप्शन ए डी के यू ई डब्ल्यू के वी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिफ्टी थ्री का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सही है क्या भाई पक्का चलो नेक्स्ट दिल्ली इज कोडेड एज ओके डी ई एल एच आई दिल्ली इज कोडेड एज हाँ बोलो सी सी आई डी डी ऐसा ही है ना तो बोलो क्या किया है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर पक्का क्या हाउ वुड यू कोड बॉम्बे बी ओ एम बी ए वाई चलो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स चलो बी माइनस वन ए माइनस टू जल्दी बताओ एम माइनस थ्री जे बी माइनस फोर एक्स ए माइनस फाइव व्ही ना एंड वाई माइनस सिक्स एस ए एम जे एक्स वी एस है क्या ऑप्शन में ऑप्शन बी मैंने जो आपको बोला था कि ये पहले लिखे रखो कभी भी बेटर रहता है उससे फायदा होगा क्या आपका नेक्स्ट इफ पालम इज गिवन विद कोड नंबर फोर्टी थ्री ओके मेरे ख्याल से वो लेटर का नंबर का एडिशन होगा पालम का लेटर नंबर बताओ पी का पी का बताओ ए का वन एल का ट्वेल्व ए वन एंड एम थर्टीन टोटल मैच होता है क्या फोर्टी थ्री होता है हो गए फिर सांता क्रूज एस ए एन टी ए सी आर यू जेड चलो एस का लेटर नंबर बताओ नाइनटीन ए का वन एन का फोटीन टी ट्वेंटी ए वन सी थ्री आर यू एंड जेड टोटल बताओ थ्री तो टोटल इज वन ट्वेंटी थ्री एंसर ऑप्शन ए सीधा सीधा लेटर नंबर ऐड कर दिए समझ रहा है सबको चलो नेक्स्ट इफ टू फिफ्टी सिक्स मीन्स यू आर गुड सब लोग अच्छे से ध्यान दो सिक्स थर्टी सेवन मीन्स वी आर बैड एंड थ्री फिफ्टी एट मीन्स गुड एंड बैड

तो पहले और दूसरे सेंटेंस में कॉमन नंबर कौन सा है सिक्स इसका मतलब आर के लिए सिक्स रहेगा नहीं समझा आपको ये पहले और दूसरे सेंटेंस में कॉमन वर्ड कौन सा है कॉमन नंबर कौन सा है सिक्स इसका मतलब सिक्स आर रहेगा अच्छा सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में कोई कॉमन वर्ड है क्या कौन सा है बैड तो बैड इधर बैड बताओ सेकंड एंड थर्ड में कॉमन नंबर कौन सा है कौन सा है थ्री तो बैड में से ये थ्री है बैड थ्री है कि नहीं अच्छा बताओ अभी सेकंड सेंटेंस देखो आर के लिए क्या था सिक्स था ना थ्री किसके लिए था बैड यस तो सेवन किसके लिए आया है? मतलब वी नहीं समझा आपको अरे ये सेवन जो आया वो वी के लिए आया ना फिर सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ गया दिमाग में वैसे ही अब बताओ थर्ड स्टेटमेंट ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग मुझे बताओ फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन वर्ड है फर्स्ट एंड थर्ड में गुड एंड फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन नंबर क्या है five. तो five stands for good. Do you agree? तो ये जो है अब में बताओ आर के लिए क्या था आर के लिए क्या था सिक्स गुड के लिए क्या था फाइव एंड सिक्स एंड फाइव छोड़ के दूसरा कौन सा बचा टू तो टू किसके लिए होगा यू के लिए फर्स्ट सेंटेंस समझा क्या थर्ड सेंटेंस में बताओ बैड के लिए क्या था बैड के लिए क्या था थ्री मतलब ये बैड थ्री के लिए था उसके बाद में गुड के लिए क्या था फाइव तो ये गुड के लिए था तो एट किसके लिए बचा एंड के लिए तो एट इज फॉर एंड डू यू एग्री अब उन्होंने क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर बोलोम एंड तो एंड के लिए क्या था एट ये कैसे लाया हमने समझा क्या सोचा कैसे कॉमन क्या है वो देखा फिर अगर एक तीन इसमें से दो पता चल गए तो तीसरा अपने को पता चल सकता है इस तरह से मैं एक 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 कंप्लीट करता गया एंड इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछने दो वी कैन गेट द आंसर और नॉट कभी कभी वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द टोटल ऑफ आर एंड बैड व्हाट इज द टोटल ऑफ आर एंड बैड तो आर एंड बैड मतलब सिक्स प्लस थ्री नाइन समझा क्या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर दे सकते हो कि नहीं तो आंसर इज एट गया दिमाग में कुछ यस yes. नेक्स्ट ये कर दू क्या चेंज ये सॉल्व करने का तरीका समझा क्या वो बताओ पक्का चलो फाइंड आउट ऑड मैन आउट फ्रॉम अवनी ईशानी ईशा उषा वीना वीना क्यों इट इज द ओनली वर्ड इट इज द ओनली वर्ड स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनट स्टार्टिंग विथ कॉन्सोन एंड बाकी के वर्ड किसे स्टार्ट हो रहे हैं वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इट्ज ओनली वर्ड स्टार्टिंग विदोनंट बाकी सारे वर्ड किसे स्टार्ट हो रहे हैं वॉवल से अवनी ए ईशानी आशा ईशा यू बराबर है कि नहीं वी ना वी से स्टार्ट हो रहा है यस और नो चलो फाइंड आउट ऑर्ड मैन आउट सिक्सटी फोर थर्टी टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व टू फोर्टी थ्री वन जीरो फोर एट टू फोर्टी थ्री इटली ऑर्ड नंबर इट इज द ओ ओनली ऑर्ड नंबर समझा क्या या तो बाकी के सब जो है ना वो टू के पावर है टू का पावर सिक्स है टू का पावर फाइव है टू का पावर नाइन है या थ्री का पावर है या तो उससे भी बेटर क्या है इट इज दोलो ओनली ऑड नंबर इट इज द ओनली ऑड नंबर इन द गिवन सीरीज बराबर है फाइंड ऑर्ड मैन आउट ए बी एम एन वाई जेड वी यू वी यू क्यों बोलो इट इज ओनली बोलो रिवर्स इन ऑर्डर रिवर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बराबर है क्या बाकी सब ऐसे फॉरवर्ड थे ना वो ए के बाद बी आता है एम के बाद एन आता है वाई के बाद जेड आता है बट वी के पहले यू आता है यस और नो यू वी होता तो वो भी उसके साथ चलता ना वो भी चलो नेक्स्ट इफ ए इज वन पैट इज थर्टी सेवन अच्छा काम करो पैट में पी का लेटर नंबर बताओ सिक्सटीन ए का वन एंड टी का ट्वेंटी तो टोटल थर्टी सेवन हो रहा है क्या तो फिर टैप इज इक्वल टू वो भी थर्टी सेवन ही होगा भाई ट्वेंटी प्लस वन प्लस सिक्सटीन तो दैट इज थर्टी सेवन ऑप्शन बी सही है नेक्स्ट इफ डी इज फोर बैड इज सेवन तो बोलो बैड में बी का लेटर नंबर टू ए का वन डी का टोटल सेवन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट ए एन टी बोलो ए का लेटर नंबर वन एन का फोर्टीन टी का ट्वेंटी टोटल थर्टी फाइव ऑप्शन सी तो सिक्सटी वन का आंसर ऑप्शन सी है क्या ये टफ जा रहे के सारे क्वेश्चन इफ मैथमेटिक्स का कोड दिया हुआ है आपको देन महात्मा इज ओके महात्मा एम ए बोलो एच ए टी एम ए चलो बोलो एम के लिए क्या कोड था वन ए के लिए टू एच के लिए फोर ए के लिए टू टी के लिए थ्री एम के लिए वन ए के लिए टू इसमें भी कोई डाउट है पक्का वन टू फोर वन टू फोर टू थ्री वन टू वन टू फोर टू थ्री वन टू है क्या ऑप्शन में ए फोर वन मिसिंग है ना तो रेक्टिफाई करो टाइपिंग मिस्टेक होगा क्या ये पहला वाला है ना वन टू फोर टू थ्री वन टू वन टू फोर टू वन टू ऑप्शन ए में एक नंबर मिसिंग है एक, एक नंबर ज़्यादा है क्या वन टू फोर टू ये फोर ज़्यादा है क्या वो कट कर दो फिर वन टू फोर टू थ्री वन टू इज आंसर सर वन टू फोर टू थ्री वन टू इज आंसर सर समझा क्या आपको ये? टू फोर टू थ्री वन टू इज आंसर माई फ्रेंड्स टफ था क्या है नेक्स्ट इफ डी इज फोर कवर इज सिक्सटी थ्री देन बेसिस इज अच्छा का नंबर बताओ थ्री ओ का ओ वी ट्वेंटी टू ई फाइव आर एटीन टोटल सिक्सटी थ्री आ रहा है क्या चेक करो आ रहा है क्या ओके देन बेसिस बी एस आई एस बी का लेटर नंबर टू ए का वन एस आए नाइन एस नाइनटीन टोटल फिफ्टी फाइव जीरो टोटल इज फिफ्टी तो सिक्सटी थ्री का आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का आंसर इज ऑप्शन बी सही है क्या मेरे भाई पक्का नेक्स्ट इफ एच के यू जे मींस फिश वॉट डज यू वी सी डी मीन्स एच के यू जे क्या बोलो फिश सही है क्या एच के यू जे मीन्स फिश बोलो माइनस टू हर जगह पे क्या माइनस टू माइनस टू माइनस टू वॉट डज यू वी सी डी मीन्स यू वी सी डी माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू जल्दी बताओ एस टी ए बी स्टैब एस टी ए बी माइनस टू करना है आपको टफ था ये नेक्स्ट इफ नोएडा इज रिटन एज एन ओ आई डी ए बोलो एन ओ आई डी ए इज़ रिटर्न एज एस बोलो टी एन आई एफ सही है क्या भाई क्या किया है प्लस फाइव हर जगह प्लस फाइव है पक्का हर जगह प्लस फाइव है क्या तो प्लस फाइव करके ये कोड लाया देन हाउ एम ई मेरट बराबर है ना इज रिटर्न इन दैट लैंग्वेज बोलो एम प्लस फाइव करो एम प्लस फाइव कर रहे हो क्या हाँ बोलो आर जे जे डब्ल्यू जेड फाई अब देखो बच्चों अगर ये लिखा नहीं है तो इतना आसान है क्या प्लस फाइव क्या होता है क्या? हर भाई से काउंट करके यानी ये समझाया नहीं लिखा रहेगा तो बहुत फास्ट होता है कि नहीं तो आर जे जे डब्ल्यू जेड वाई ऑप्शन सी इज इट ऑप्शन सी समझा सबको ये आर जे जे डब्ल्यू जेड वाई इज आंसर नेक्स्ट इफ बी क्विक इज कोडेड एज बी क्विक बराबर है ना इज कोडेड एज क्या क्या बोलो जेड सी ओ एस जी ए आई क्या किया माइनस टू किया हर जगह पे पक्का क्या एवरी प्लेस माइनस टू माइनस टू माइनस किया तो ये मैच हो रहा है क्या देन इंडियन वुड बी कोडेड एज बोलो इंडियन वुड बी कोडेड एज माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू बोलो जी एल बी जी वाई एल तो करेक्ट आंसर इज जी एल बी जी वाई एल स्टैंड फॉर इंडियन दिस इज द आंसर इफ रामायना इज कोडेड एज यस आर ए एम ए वाई ए एन ए इज कोडेड एज पी वाय बोलो बी वाई के वाई डब्ल्यू वाई एल वाई क्या किया है माइनस टू माइनस टू हर जगह माइनस टू है क्या माइनस टू पक्का क्या माइनस टू माइनस टू क्या हुआ है माइनस टू देन महाभारत कैन बी रिटर्न एज़ एम एच ए बी एच ए आर ए पी ए हम चलो एम माइनस टू एम माइनस टू जस्ट मेनिट ये माइनस टू माइनस टू लिख रहे समझ रहे हम चलो बोलो एम माइनस टू के ए माइनस टू एच माइनस टू एफ क्या देन वाई देन जेड क्या एफ वाई पी वाई आर वाई सही है के वाई एफ वाई जेड एफ वाई पी वाई आर वाई इज अ कोड फॉर महाभारत दिस इज द कोड फॉर कोड फॉर महाभारत बराबर है डू यू एग्री चलो नेक्स्ट इन अ सर्टन लैंग्वेज हाइड्रोजन इज कोडेड एज हाइड्रोजन एच वाई डी आर ओ बोलो मेरे भाई डी आर ओ जी ई एन इज कोडेड एज जे सी जे जेड वाई एस एस डी प्लस टू अच्छा प्लस टू किया इधर फिर क्या किया प्लस फोर फिर प्लस सिक्स चेक करके बताओ प्लस सिक्स है क्या ये फिर प्लस एट है क्या चेक करो मेरे भाई प्लस टेन है क्या प्लस ट्वेल्व है क्या चेक करो प्लस फोर्टीन है क्या प्लस सिक्सटीन है क्या <coughs> ऐसे कुछ है क्या चेक करो प्लीज देन हाउ एंटी मनी वुड बी कोडेड एज हाँ चलो एंटी मनी ए एन टी आई एम ओ एन वाई चलो ए प्लस टू क्या आता है सी एन प्लस टू अच्छा सॉरी प्लस फोर एन प्लस फोर कितना है आर एन प्लस फोर कितना आर टी प्लस सिक्स जेड न आई प्लस एट क्यू एम प्लस टेन डब्ल्यू पक्का क्या ओ प्लस ट्वेल्व जल्दी ए क्या एन प्लस फोर्टीन बी एंड वाई प्लस सिक्सटीन गड़बड़ नहीं है ना पक्का कुछ देखो मैं भरोसा कर रहा हूँ आपके सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ इज अ कोड फॉर एंटी मनी प्लस टू प्लस फोर मतलब हम पहले एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं एंड वो पैटर्न अगले इस पे अप्लाई कर रहे है, है या नहींक्स्ट इन अटन लैंग्वेज प्लेयर इज कोडेड एज चलो बोलो प्लेयर इज कोडेड एज प्लेयर इज कोडेड एज बोलो क्यू एन डी सी जे एक्स प्लेयर का कोड ये है प्लस वन प्लस टू अच्छा पहला प्लस वन है क्या प्लस वन है उसके बाद प्लस टू प्लस वन के बाद प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स टैली हो रहा है क्या प्लस वन प्लस टू से लेकर प्लस सिक्स तक फिर हाउ सिंगर विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज सिंगर वुड बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स बोलो सिंगर का कोड क्या टी के क्यू के जे एक्स पक्का तो सिंगर का कोड है टी के क्यू के जे एक्स सही है मिल रहे पैटर्न बराबर नेक्स्ट इन अ सर्टन कोड मंकी इज रिटर्न एज मंकी इज रिटर्न एज बताओ कुछ प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन फिर नहीं हो रहा है क्या ओके तो एक काम करो मंकी को पहले उल्टा करो क्या आता है बोलो वाई ई के एन ओ एम एंड उल्टा करके माइनस वन करो समझा क्या पहले रिवर्स करो एंड फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वाई माइनस वन कितना आता है एक्स ई माइनस वन डी के माइनस वन जे देन एम एन एल सही है रिवर्स करके माइनस वन समझा क्या चलो अब इन्होंने क्या बोला है टाइगर टाइगर को पहले क्या करे रिवर्स करो समझा क्या बोलो क्या बताया हो आर ई जी आई टी एंड फिर माइनस वन करो Q D F H S. So answer is Q D F H S. This is the answer. Is Answer is Q D F H S. Q D F H S is the answer. Tough topic, फ था क्या ये चलो नेक्स्ट इफ बैट कैन बी रिटर्न एज डी सी वी मैन कैन बी रिटर्न एज फॉर बैट कैन बी रिटर्न एज वी क्या किया है उन्होंने प्लस टू किया है क्या पक्का हर जगह प्लस टू किया है प्लस टू प्लस टू प्लस टू इज रिटर्न एज सी वी देन मैन कैन बी रिटर्न एज मैन प्लस टू प्लस टू प्लस टू बोलो ओ सी पी क्या ओ सी पी इज द आंसर मैन कैन बी रिटर्न एज ओ सी पी दिस इज द आंसर माई फ्रेंड्स इफ कैट कैन बी रिटर्न एज कैट कैन बी रिटर्न एज सी एन ए एन टी कुछ नहीं किया हर लेटर के बीच में एन डाला है जी ओ डी विल बी रिटर्न एज जी एन ओ एन डी बस एन लास्ट में नहीं है ना सही है दिस इज द आंसर नहीं समझा आपको टफ था क्या ये नेक्स्ट इफ सर इज कोडेड एज सर का क्या कोड है बोलो पी एस पी आई बराबर है क्या देन मैन वुड बी कोडेड एज पी एम पी ए पी एन इज एंसर टफ था ये समझा आपको ये सीधा सीधा पी से स्टार्ट किया है, फिर एक एक लेटर लिया है उसके बाद इफ टी आई एम बी आर टिम्बर इज कोडेड एज बी आर एम आई टी बताओ क्या पैटर्न है क्या किया है पहले रिवर्स किया क्या एंड रिवर्स करके नहीं अच्छा ये लास्ट के तीन लेटर कॉपी मार दिए इधर बी ई -E आर बराबर है एंड पहले तीन लेटर रिवर्स करके लिख दिए ये इस सीक्वेंस में रिवर्स करके लिख दिए क्या सीक्वेंस? एम आई टी सही है हाँ चलो बोलो क्या बोल रहा है हाउड बी एन बोलो टी ई आर कॉपी बेस कर दो इधर हाँ करो टी ई आर उसके बाद एन ए बी ये रिवर्स करके लिख दिया तो वेदर ई आर एन ए बी इज द आंसर, दिस इज आंसर, टी ई आर एन ए बी इज एंसर टफ था वो चो पी इर एन ए बी वॉज द आंसर फाइनल आंसर गया दिमाग में कुछ टफ था ये नेक्स्ट इन अर्टन कोड कोर्स सी ओ आर यू एस ई इज रिटर्न एज कुछ नहीं सीधा सीधा रिवर्स है तो सी ओ यू आर एस ई रिवर्स इन ऑर्डर क्या रिवर्स किया तो क्या आएगा बोलो ई एस आर यू ओ सी पूरा रिवर्स ही किया है लेकिन? Yes no. -E क्या लेकिन यस और नो हाउ बोलो ब्रेथ बी आर ई ए टी एच का कोड ब्रेथ का कोड क्या रहेगा एच टी ए ई आर बी सही है दिस इज द आंसर देंसर है एच टी ए ई आर बी इज आंसर टफ आज नेक्स्ट इन अ सर्टन कोड 493 मींस फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज 961 इज स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम 178 मींस एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट विच डिजिट इज यूज्ड फॉर बिलीवेबल देखते इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है क्या चलेगा क्या मुझे बताओ पहले क्या बोला है फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज तो पहले और दूसरे में कॉमन कुछ है क्या क्या है डिफिकल्ट एंड नंबर कौन सा कॉमन है नाइन तो नाइन स्टैंड फॉर डिफिकल्ट नाइन स्टैंड फॉर डिफिकल्ट इतना तो पक्का फिर बताओ फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है क्या फर्स्ट एंड थर्ड में अच्छा सेकंड एंड थर्ड में है क्या सेकेंड एंड थर्ड में क्या कॉमन है एग्जाम एग्जाम के लिए क्या वन वन स्टैंड फॉर एग्जाम वन स्टैंड फॉर एग्जाम अच्छा फिर सेकेंड इसमें देखो नाइन सिक्सटी वन में नाइन किसके लिए डिफिकल्ट वन किसके लिए एग्जाम तो सिक्स किसके लिए होगा स्ट्रगल तो सिक्स इज फॉर स्ट्रगल यस और नो सिक्स इज फॉर स्ट्रगल ओके उसके बाद बताओ फर्स्ट इसमें राइट फोर नाइन का मिला है ना सिर्फ फोर का पता नहीं थ्री का पता नहीं लास्ट में वन सेवेंटी एट में वन के लिए पता है कॉमन कुछ है क्या नहीं है तो विच वर्ड इज यूज फॉर बिलीवेबल बोलो बिलीवेबल अच्छा मुझे बताओ बिलीवेबल के लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए वन है एग्जाम के लिए क्या था वन एंड सब्जेक्ट क्या एग्जाम के लिए वन था तो समझो इसके आंसर है सेवन एट सेवन और एट None of these. तो इसका आंसर रहेगा सेवन और एट बट सेवन या एट एग्जैक्टली exactly कौन सा वो नहीं पता चल सकता और yes नो no? वो पता नहीं चल सकता यस और नो वो पता करने के लिए क्या चाहिए था हमें फर्स्ट एंड थर्ड में भी कुछ तो कॉमन चाहिए था हम कंफर्म डिफिकल्ट के लिए एग्जाम के लिए स्ट्रगल के लिए बता सकते और हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते अभी नहीं समझाओगे आपको पक्का बट अगर सेवन या एट में से कोई है क्या तो आंसर इज यस ये दोनों में से कोई तो पक्का वन नंबर इज फॉर बिलीवेबल है या नहीं ये कैसे पता चला आपको थर्ड वाले इसमें से से यार 178 में बिलीवेबल तो उधर ही था ना सिर्फ तो 178 में से वन वॉज फॉर एग्जाम तो बिलीवेबल के लिए क्या रहेगा या तो सेवन या एट हाँ बट अगर हमें सब्जेक्ट के लिए नंबर मिल जाता तो बिलीवल बिलीवेबल के लिए भी मिल जाता बट सब्जेक्ट के लिए मिल नहीं रहा है हमें कुछ नंबर येस और नो तो करेक्ट आंसर इज सेवन और एट कभी कभी ऐसा हो सकता है समझा वहीकल कोडेड एज बुक बुक कोडेड एज कोडेड एज कैलकुलेटर देन वेयर इज द ट्रेजर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज नॉलेज किस में होता है फ्लावर में अरे बुक में होता है बट बुक इज कोडेड एज फ्लावर बुक की जगह बुक नहीं बोलना है ना बुक को फ्लावर बोलना है समझा क्या आंसर बुक ही है बट बुक इज कोडेड एज फ्लावर ना तो आंसर क्या है बोलो फ्लावर वेयर इज द ट्रेजर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज तुम्हारे हिसाब से नॉलेज किस में होता है बुक में ऐसा जनरल तो होता है है कि नहीं तो बुक इज कोडेड एज क्या फ्लावर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टफ था ये नेक्स्ट इफ टैलेंट इज रिटर्न एज टैलेंट T A L E N T इज कोडेड एज अच्छा पहले तीन लेटर रिवर्स किए पहले तीन लेटर रिवर्स किए क्या है एल ए टी एंड आगे के तीन लेटर्स एज इट इज लिख दिए ई एन टी सही है हाँ चलो ई एक्स ओ टी आई सी चलो बोलो एक्स एग्जॉट ई एक्स ओ को रिवर्स कर दो ओ एक्स टी आई सी एज इट इज यस नो तो ओ एक्स टी आई सी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सही है क्या मेरे भाई नेक्स्ट इन अ सर्टन लैंग्वेज ओके इन अ सर्टन लैंग्वेज क्या ये बोलो एन आई टी सी ई एल ई एस ये तो उल्टा है सीधा सीधा सिलेक्शन का उल्टा है ना इज कोडेड एज रिप्रेजेंट सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्शन का कोड है ये किसका कोड है रिप्रेजेंट सिलेक्शन देन हाँ बोलो ए आई बोलो ए आई डी एन आई रिप्रजेंट्स ये क्या रिप्रजेंट करता है इंडिया आई एन डी आई ए समझाया नहीं रिवर्स है ना ये तो रिवर्स इन ऑर्डर सही तो है क्या लेटर्स रिवर्स इन ऑर्डर लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर लेटर्स इन बोलो रिवर्स ऑर्डर टफ थे ये सारे क्वेश्चन ही ये कोडिंग में है कि कुछ अब बता मैंने और कितने भी क्वेश्चन लिए तो अल्टीमेटली आपको रट्टा मारने का सीन है क्या इसमें अब वही प्लस वन होने वाला है माइनस टू होने वाला है प्लस थ्री होने वाला है यही आपको एग्जाम में पैटर्न जानना है यार समझा क्या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो आई आई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मत सॉल्व करो मैंने उसमें से जो करेक्ट थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए क्योंकि बहुत उन्होंने ऑप्शन में इतनी गलती की है कि उसका कोई लिमिट नहीं समझ रहा है क्या तुम करेक्ट सॉल्व करोगे ऑप्शन में रहेगा ही नहीं हो फिर तुमको डिप्रेशन आएगा समझ रहा है कि नहीं आंसर कुछ तो तीसरा ही रहेगा अच्छा तुम्हारे पास वो स्टडी मटेरियल का जनवरी का प्रिंट रहेगा और मार्च का प्रिंट रहेगा उसमें आंसर अलग अलग है समझ रहा है क्या मतलब तुम में से दो लोगों के बुक में अलग अलग आंसर से जबकि क्वेश्चन सेम है समझ रहा है क्या एंड मैं ब्लंटली ये बोल रहा हूँ जबकि ये लेक्चर आ ये यूट्यूब पे आएगा तो भी मैं बोल रहा हूँ मतलब समझ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ क्या है मैं डायरेक्टली आई सी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे बाई चांस कोई सुनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी समझ रहा है कि नहीं बाई चांस कोई सुन लेगा तो बहुत क्योंकि हम अपने साइड से मेल वगैरह उनको बताने की कोशिश तो पूरी करते हैं एंड वो हर बार हमें बोलते भी है कि नहीं 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 नेक्स्ट टाइम विल प्रिपेयर अ वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल ऐसा ऐसा फिर कवर वगैरह चेंज करते फोटो वोटो चेंज करते कलर चेंज करते कंटेंट चेंज नहीं करते है कि नहीं आजकल के ज़माने में क्या हो गया वो एक्सटर्नल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गया है कि नहीं कंटेंट को कुछ भी नहीं है बट बाहर फोटो वोटो कलर वर ऐसा दिखता है कि जैसे बाप रे क्या क्या किया है है कि नहीं बाद में देखा पता चला सब वही है है कि नहीं मोरालेस ये ऐसा ही हो चुका है एंड आई सी ए आई अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस जो कि एक्सेप्शन होना चाहिए था है कि नहीं बट एक स्टडी मटेरियल में जब हमारे वक्त सी ए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल था का इट वॉज एरर फ्री एक भी एरर जीरो एरर समझ समझता को अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेज पे आपको एक आधा एरर मिलेगा एक आधा पेज पे एरर नहीं है एक आधे पेज पे एरर नहीं है एंड मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी एंड ये जब से उन्होंने वो सी कोर्स इंट्रोड्यूस किया था ना तब से ये डिफेक्टिव मटेरियल है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते ऊपर ऊपर से वापस वही समझ रहा है क्या पेज नंबर गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामेटिकल एरर्स दुनिया भर के अलग अलग एक एल में तो बैंड बजाए उन्होंने लिटरली स्टडी मटेरियल में तो ये आपको सिर्फ इतना जो मैंने बुक में दिया उतना है उसमें सारा वैरायटी कवर होता है आपको लगेगा नहीं सर स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं है मेरे भाई समझ रहा है क्या एक एक डेढ़ डेढ़ पेज का चैप्टर है स्टडी मटेरियल में आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो इतना करके जाओगे बट पूरा अच्छे से करने का एंड देखो वापस पढ़ना एंड सॉल्व करना इसमें फर्क है समझ क्या मैं वापस आपको किया था कि वो जो ब्लैंक बुक है उसके साथ तुमने खुद सॉल्व करना चाहिए अगर अभी भी देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम है क्या डेट है आज ऑलमोस्ट दो महीने तुम्हारे एग्जाम को दो महीने कम टाइम नहीं होता है दो महीने समझता है क्या एक बुक में कितने तीन सौ सत्तर अस्सी पेजेस है सिर्फ रोज दस पेज सॉल्व करो तो भी तुम्हारे एग्जाम के पहले बीस दिन बुक, बुक, बुक खत्म हो जाएगा आज से एक दिन में कितने मतलब दस बैक टू बैक पेजेस मतलब पाँच ही पेजेस पेजेस ना पाँच बैक बैक टू मतलब तो टोटल दस पेजेस उतना अगर रोज तुम कंप्लीट करते हो तो भी एग्जाम के बीस दिन पहले तुम पूरा बुक सॉल्व करके बैठे हो करेक्ट है कि नहीं एंड एक उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट है तीन सौ रुपए वो बुक खरीदना है आपके पास नहीं रहेगा तो एंड अगर आपको यहाँ से खरीदना नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे वो ब्लैंक कॉपी का पी डाला हुआ है ले लो प्रिंट आउट खुद निकालो और पैसे बचाओ बट सॉल्व करो वो इम्पोर्टेंट है मेरा अर्निंग ऑब्जेक्टिव होता तो मैं फ्री में नहीं डालता ना उसमें समझा या नहीं एंड आपको लगता है कि मेरे से इंसान को कोई फर्क भी पड़ेगा उससे आपको सम, समझ रहा है क्या आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो प्लीज़ तुम्हारा फायदा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है में आपको आपको लगता है कि नहीं सर आपका क्या है तो आई एम लुकिंग यू एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट मेरा टारगेट आपको फाउंडेशन में मैथ्स का है नहीं अभी समझा या नहीं मैं ब्लेंटली आपको बोल रहा हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस राइट आई वॉन्ट टू सी यू इन सी ए इंटरमीडिएट ये मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे साइड मेरा अगर कुछ उसमें स्वार्थ है तो ये है समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं अगर है भी तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो और जिसमें तुम्हारा फायदा है ऑब्वियसली तुम्हारा नुकसान करके मेरा फायदा है तो उसको सेल्फिशनेस बोलते तुम्हारा फायदा करके मैं अपना फायदा देख रहा हूं ना बराबर है कि नहीं तो अगर तुम इंटरमीडिएट में आते हो तो वो कुछ अपना ये बैच का कुछ रिजल्ट है बच्चों समझा के नहीं एंड वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ हेटिंग दिस चलो ये सेवनटी नाइन तक हुआ क्या कंप्लीट नेक्स्ट मोहन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए ओके तो चलो ये मोहन का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे समझो लेट से दिस इज स्टार्ट पॉइंट आराम से सॉल्व करेंगे वो चुक। मोहन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वन किलोमीटर साउथ तो लेट से दिस इज स्टार्टिंग ध्यान दे रहे हो आप सब लोग ये स्टार्टिंग है. है क्या एंड वन किलोमीटर साउथ तो यह वन किलोमीटर टूवर्ड साउथ है हाँ देन टेक अ लेफ्ट टर्न तो ये लेफ्ट टर्न इधर होता है क्या ये तो राइट right है नहर मोहन का लेफ्ट ही है, है. समझा क्या एंड वॉक्स वन किलोमीटर ये भी वन किलोमीटर है आप ऐसे मत समझो कि वन किलोमीटर लंबा कैसे होगा उतना आप कैलक्यूट नहीं कर रहा मैं ठीक है देन ही टर्न लेफ्ट लेफ्ट टर्न लिया क्या उसने फिर बराबर है एंड अगेन वॉक्स वन किलोमीटर हो गया नाउ ही इज फेसिंग तो मोहन इज फेसिंग मोहन इज फेसिंग नॉर्थ येस और नो ट द एंड वो नॉर्थ फेस कर रहा है इज नॉर्थ फेसिंग सही है कुछ जाता है क्या दिमाग में नेक्स्ट सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स टू माइल्स टूअर्ड्स साउथ चलो ये सुरेश का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे समझो जो मैं डॉट कर रहा हूं वो स्टार्टिंग पॉइंट है ओके okay? सुरेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक्स टू माइल्स टूअर्ड्स साउथ तो साउथ में दो माइल गया टर्न्स राइट एंड वॉक ये राइट right टर्न लिया क्या उसने वन एंड हाफ माइल्स सही है टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल्स तो इधर हाफ माइल जा रहा है करेक्ट है एंड देन टर्न्स बैक देखो ये इधर जा रहा था टर्न बैक मतलब इधर वापस जा रहा है अभी उल्टा समझा क्या टर्न्स बैक विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ समझा के आपको ये तो बोलो सुरेश इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन सुरेश इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एट द एंड बराबर है जहां पे जहां तक उन्होंने बोला है तब वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन कुछ गलत हो रहा है तो बताओ मुझे हाँ भाई आशीष शिंदे समझ रहा है क्या समझ रहे हैं ना नहीं तो बोलोगे भाई कुछ तो सुरेश नहीं सर सुरेश तो इधर जाता ही नहीं मैं जानता हूँ सुरेश को अ मैन फेसिंग ईस्ट तो ये पर्सन है समझो वो कहाँ देख रहा है ईस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ ये फेस मतलब इधर फेसिंग है वो अ मैन फेसिंग ईस्ट समझा क्या मतलब फेसिंग वॉक्स वगैरह नहीं बोला है फेसिंग ईस्ट बराबर है ना टर्न्स लेफ्ट मतलब इधर गया नहीं समझा आपको टर्न्स लेफ्ट सही है क्या एंड गोज टेन मीटर लेफ्ट में जाके दस मीटर गया देन टर्न्स राइट एंड गोज फाइव मीटर्स देन गोज फाइव मीटर देन गोज फाइव मीटर टूअर्ड्स साउथ साउथ में पांच मीटर गया सही है फाइव मीटर टू एंड फ्रॉम देयर फाइव मीटर्स टू द वेस्ट वेस्ट में पांच मीटर आया तो इधर पाँच मीटर मतलब देखो ऊपर का भी पाँच मीटर था ना हो तो ये रेक्टेंगल की तरह बन रहा है ना समझा क्या सबू वो दो मिनट के लिए मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था समझा क्या लेट से दिस वॉज स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान दे रहे हो भाई ऊपर कितना गया था वो ऊपर कितना गया था दस मीटर फिर राइट में कितना गया पाँच मीटर फिर लेफ्ट में कितना गया पाँच फिर वापस पाँच मीटर इसका मतलब ये भी पाँच मीटर है एंड ये पाँच मीटर है टोटल दस हुआ ना ऊपर चलो एक काम करो स्टार्टिंग पॉइंट देखो डॉट देखो पढ़ो पहले से अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट टर्न लिया क्या उसने एंड दस मीटर ऊपर गया राइट टर्न पांच मीटर गोज फाइव टू द साउथ एंड देन फाइव मीटर टू द वेस्ट इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस तो आप बताओ बच्चो ये जो डॉट पहला वाला डॉट है ये उसका ओरिजिनल प्लेस है ये उसका ओरिजिनल प्लेस है डो यू एग्री And ये जो लास्ट वाला डॉट है ये उसका फाइनल प्लेस है ये यहाँ पे उसका तो आप बताओ ओरिजिनल प्लेस से कौन से डायरेक्शन में हो नॉर्थ में येस और नो ही इज बोलो टू द नॉर्थ फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस समझा क्या ओरिजिनल प्लेस से वो नॉर्थ में है ही इज टू द नॉर्थ फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस जो मैंने फाइनल डॉट किया हुआ है फाइनल प्लेस एंड ओरिजिनल प्लेस डॉट किया हुआ दिख रहा है क्या आपको उसके बाद करेंगे सॉल्व ये समझ रहा है क्या सबको चलो फ्रॉम हर होम अवनी रेड्डी विशेष टू गो टू द स्कूल दो मेरे के लिए मान लो कि ये उसका होम है ओके ओके होम लेट्स से होम फॉर अवनी रेड्डी बोलो आगे क्या बोल रहे हैं विशेष टू गो टू द स्कूल फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ में मतलब इधर गई एंड देन टर्न्स लेफ्ट नॉर्थ में जाके लेफ्ट टर्न मारा यस और नो नॉर्थ में जाके लेफ्ट टर्न मारा देन टर्न्स राइट राइट मतलब ऊपर इधर उसका राइट ही हुआ ना ये देन फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेज टू द स्कूल तो ये है उसका स्कूल एंड ये था उसका घर सही है क्या अब ये फाइनली उसके स्कूल पहुंच गए ना हो तो अब बताओ ये उसका है स्कूल तो अब बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है इन वॉट डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड इन रिस्पेक्ट टू हर होम उसके घर से नॉर्थ वेस्ट में करेक्ट और नॉट तो क्या ना इसे स्कूल इज हां बोलो टू द या स्कूल इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द बोलो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन स्कूल इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम होम डू यू एग्री नॉर्थ वेस्ट एंड होम इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम स्कूल स्कूल से घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है येस और नो क्वेश्चन क्या पूछा है इन वॉट डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड इन रिस्पेक्ट टू अर होम बोलो नॉर्थ टेड टू किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल बोलो पी फ्रॉम द कैपिटल क्या पी तो एक काम करते दिस इज पी ऐसे समझो ये क्या है पी ध्यान दे रहे हो क्या भाई ध्यान दे रहे हो क्या ये पी है के इज अ प्लेस लोकेटेड टू किलोमीटर अवे नॉर्थ वेस्ट अच्छा नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर रहेगा ना ये ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है बोलो पी के नॉर्थ वेस्ट में के है एंड ये क्या है डिस्टेंस टू किलोमीटर सही है क्या ओके आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड टू किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम के तो साउथ वेस्ट मतलब इधर हुआ के के साउथ वेस्ट टू किलोमीटर में क्या है साउथ वेस्ट क्या है आर तो इधर हुआ क्या आप मुझे बताओ के से साउथ वेस्ट आया क्या मैं आर है आगे बताओ बोलो एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड टू किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम आर तो आर के नॉर्थ वेस्ट में मतलब इधर वापस दो किलोमीटर कौन सा क्या ये एम है? है क्या दिस इज ऑल्सो टू किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट नाउ आगे बढ़ो एम के बाद हम्म बोलो टी इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड टू किलोमीटर अवे इन द साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट तो ये है मतलब टी अगेन दिस किलोमीटर समझा क्या दो किलोमीटर इसलिए वो वही लाइन में आ रहा है ना बाद में येस और नो ओके इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड फ्रॉम पी टी कहा है पी के साइड से करेक्ट और नॉट तो टी इज इन द बोलो वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम बोलो वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पी पी के एंगल से टी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन कोई डाउट है क्या बच्चों एंड देखो वो दो दो किलोमीटर था इसलिए सेम लाइन पे आया बच्चों अगर वो चार होता तो ज्यादा नीचे जाता हो सकता था कि फिर साउथ uh, वेस्ट में चला जाता यस और नो ओके तो आंसर क्या है बोलो ऑप्शन सी विद आंसर इज ऑप्शन सी कोई डाउट है क्या चलो नेक्स्ट किया सवाल आपने एटी फोर्थ समझा क्या एटी फिफ्थ आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ऑन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन तो मॉर्निंग में सन कहां रहेगा ईस्ट में सही है आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन तो आप बताओ मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं क्या फिर फेसिंग द सन मतलब इधर सन की तरफ जा रहा हूं ईस्ट में जा रहा हूं मैं करेक्ट है आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट ये लेफ्ट में गया फिर yes or no. Then I to my right. ये और नो देन आई टर्न टू माई राइट ये राइट में गया इन वॉट इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग नाउ ईस्ट करेक्ट और नॉट फाइनली फेसिंग फाइनली फेसिंग ईस्ट बीच में थोड़ी देर के लिए नॉर्थ फेसिंग था नॉर्थ फेसिंग था वापस ईस्ट हो गए ना वो ऑप्शन ए फाइनली फेसिंग ईस्ट टफ था क्या बच्चों ऑब्वियसली दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट बराबर है ना तो मैंने वो जो डॉट किया हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट है समझ रहा है ना सबको चलो नेक्स्ट यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्ट टूवर्ड्स तो चलो समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड्स तो ईस्ट वर्ड्स जा रहा है क्या ये देन टर्न राइट तो पहले इधर जा रहा था देन टर्न राइट समझ रहा है क्या मेरे भाई हाँ चलो राइट right ले लो तो ये राइट टर्न बराबर है क्या तो पहले इधर जा रहा था अब इधर आया बराबर है देन राइट राइट मतलब कहाँ जाएगा ये इधर जाएगा ना उसका सही है देन लेफ्ट उसके बाद लेफ्ट तो ये इधर जा रहा है डू यू एग्री एक काम कर दे रहे सब लोग लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट हाँ चलो गो ईस्ट वर्ड्स जा रहे क्या ईस्ट वर्ड्स उसके बाद राइट टर्न लिया क्या उसके बाद में और राइट टर्न लिया उसके बाद फाइनली लेफ्ट टर्न लिया तो इधर जा रहे हैं ना इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ समझाया नहीं यू आर फेसिंग बोलो साउथ एट द एंडस और नो लास्ट में जहां तक उन्होंने दिया है तुम साउथ फेसिंग हो अभी यस और नो यू आर फेसिंग साउथ एट द एंड आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट यू गो नॉर्थ चलो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे समझो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट हाँ चलो बोलो वहां से कितने जा रहा है नॉर्थ हम्म टर्न राइट टर्न राइट right, उसके बाद देन राइट मतलब इधर ना हाँ देन राइट अगेन एंड देन लेफ्ट मतलब इधर विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ समझा क्या यू आर फेसिंग ईस्ट नाउ टू एग्री यू आर फेसिंग ईस्ट नाव एट द एंड ईस्ट फेसिंग है येस और नो चलो नेक्स्ट अश्वत रेड्डी ट्रेवल फिफ्टी किलोमीटर ईस्टवर्ड्स अच्छे से ध्यान दो बच्चों प्लीज प्लीज अभी देखो, अभी देखो तक के जो सारे क्वेश्चन थे ना बच्चों उसमें वो किलोमीटर गया किलोमीटर गया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा था फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है नहीं समझ रहे आपको बट कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में डिस्टेंस मैटर करता है देखते हैं अश्वत्थ रेड्डी ट्रैवल फिफ्टीन किलोमीटर्स ईस्टवर्ड्स तो बता पंद्रह किलोमीटर ईस्ट में गया ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओके पंद्रह किलोमीटर कहां गया ईस्टवर्ड्स गया क्या फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट लेफ्ट में गया कितना पाई ये उसका लेफ्ट था क्या देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक हाउ मेनी किलोमीटर्स फिफ्टीन किलोमीटर्स सही है हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो ये उसका एंड पॉइंट है समझा क्या तो एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना है फाइव किलोमीटर्स समझा क्या एंड वो जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जो है ना बच्चों ये उसका एज बुड हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि ये दिस इज लाइक अ एयर डिस्टेंस समझता है क्या अरे देखो अभी समझो समझो ये लड़की समझो एफ सी रोड पर कोई हॉस्टल पर रहती है ध्यान दे रहे हो क्या समझो ये प्रसिद्ध पॉइंट है तो समझो प्रसिद्ध पॉइंट से पहले बाहर जाती है बाजू रोड की लगती है फिर यहाँ समझ रहा है क्या आपको ये फिर यहाँ से लेके वो तिलक रोड पर जाती है फिर तिलक रोड से अलका चौक में जाती है समझा या नहीं पता चला बाद में अलका चौक के बाद में वो संभाजी ब्रिज लिया उसके बाद में समझ रहे क्या वो समझो टेक्कन गई इधर से गई समझा क्या फिर उसके बाद में एफ सी रोड पर लग गई वो फाइनली यहां पे तो ये ऐसे क्यों नहीं गई डायरेक्ट रोड ही नहीं था पॉसिबल है ना अब बीच में नदी आ रही थी समझा क्या तो फाइनली शायद आपने गूगल मैप्स वगैरह देखा रहेगा उसने पहले वो डिस्टेंस दिखाता है पाँच किलोमीटर तुम स्टार्ट करते हो हो जाता है सेवन पॉइंट थ्री किलोमीटर समझा क्या ऐसे क्यों होता है वो पहला वाला जो डिस्टेंस होता है वो एयर डिस्टेंस होता है ए पॉइंट से वो पॉइंट अब रास्ता है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना बीच में है या नहीं अब जैसे कि आप अपन बोलते हैं ना भाई हैदराबाद 600 किलोमीटर है पुणे से हैदराबाद 600 सौ नहीं चार सौ किलोमीटर एयर डिस्टेंस लो कैसे सर अभी ये अभी रोड क्या होता है समझा क्या यहाँ से गेट सोलापुर समझा क्या इधर सिटी सिटी से जोड़ के चला जाता है इधर आया हैदराबाद ये इतना घूमा क्यों वो स्ट्रेट लाइन कैसे रोड बनाया गया यार बीच में शहर जोड़ते जाएगा ना वो करेक्ट है अब जैसे ही समझो ये पुणे है और समझो ये लातूर है ध्यान दे रहे हो क्या ट्रेन से ज्वाइन करना था अब ये बीच में उस्मानाबाद वाले बोल रहे भाई हमको भी ट्रेन चाहिए गया इधर रोड रेलवे ट्रैक गया उधर बीच में बारिश वाले बोल रहे हमारे उधर से भी चाहिए इधर बाद में बोल रहे बासा वाले भाई हमको भी चाहिए ट्रेन गया इधर है या नहीं फिर गया लातूर हाँ बताओ ट्रेन से कितना ला, लातूर का डिस्टेंस छः सौ किलोमीटर हो गया जबकि रोड से चार सौ है पॉसिबल है नहीं? कि नहीं जबकि एयर डिस्टेंस तीन सौ रहेगा समझ आ क्या तो फ्लाइट के केस में वैसे डिस्टेंस कम हो जाता है कि नहीं क्योंकि फ्लाइट में रोड की जरूरत नहीं है ना उसको समझा है नहीं वो तो डायरेक्ट ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ सकता है नो no डाउट फ्लाइट में भी उनको हाइट अलोकेट होता रहता है मतलब ये हाइट पे तुम चलाओगे दूसरा हाइट फिर वो हाइट जो है ना जनरली दूसरे फ्लाइट को अलॉकेट नहीं होती है समझा क्या इसलिए वो फिर सामने सामने नहीं आएंगे ना एक दूसरे के समझा क्या आ, आ, रूट रूट अलॉकेट होता है कई बार कभी आपने अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल होते तो

तो फाइनली हम डिस्टेंस ये एयर डिस्टेंस ही देखेंगे समझा या नहीं हमें कोई बाकी लेना देना नहीं है कि भाई वहां पे रोड है या नहीं है हो सकता है कि अश्वथ रेड्डी को स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जाने के लिए अभी भी 35 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े अरे ये जो पुणे मुंबई का डिस्टेंस है एक आप समझ रहे हो क्या ये एयर डिस्टेंस उसका एक सौ किलोमीटर भी नहीं है ठीक से आधा उसमें तुम लोनावाला घाट में तुमको वो पचास किलोमीटर घुमाता है वो है कितना यार समझ रहा है क्या यू अंडरस्टैंडिंग दिस तुम मैप पे देखो कई बार तुमको समझता होगा कि यहाँ से जा रहे हो तुम ऐसे आ रहे हो फिर इधर जा रहे हो फिर वापस इधर आ रहे हो समझाया नहीं तो टोटल तुमने 20 किलोमीटर ट्रैवल किए एंड ये डिस्टेंस है तीन किलोमीटर ये डिस्टेंस कितना है तीन किलोमीटर ऑब्वियसली हिली एरिया में तो ये होता ही है ना येस और नो तो अल्टीमेटली तुम रोड से ट्रैवल कर रहे हो भाई ये सर नो बट एक पॉइंट एंड दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस जो है रियल रेयर डिस्टेंस उतना नहीं है ना आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बट हम लोग जब यहाँ पे काउंट कर रहे बट यहाँ से समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड एंड पॉइंट ई है तो हो सकता है कि उसको ए से ई जाने को एक्चुअल बाय रोड ज्यादा टाइम लगता है या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो वी आर हियर नॉट टॉकिंग अबाउट रोड डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एक पॉइंट टू दूसरा पॉइंट एंड समझा क्या आपको ये डिस्टेंस कितना है पाँच आई होप यू आर गेटिंग चलो नेक्स्ट हरी ट्रैवल्ड तो इसका आंसर क्या था फाइव किलोमीटर था क्या आप हरी ट्रैवल्ड सेवनटीन किलोमीटर्स टू द ईस्ट तो समझो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये हरी का स्टार्टिंग पॉइंट है सेवनटीन किलोमीटर्स कहाँ गए हो ईस्ट तो ये ईस्ट समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये ईस्ट मतलब इधर गया ना फिर समझा क्या कितना किलोमीटर गया सेवनटीन किलोमीटर्स चलो आगे बताओ ही टर्न लेफ्ट लेफ्ट में कितना गया फिफ्टीन किलोमीटर्स देन वेंट एंड लेफ्ट फिफ्टीन किलोमीटर्स एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड सेवनटीन किलोमीटर सेम क्वेश्चन है ना सेवनटीन किलोमीटर्स तो ये सेवनटीन किलोमीटर नीचे बराबर उतना ही था ना हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो ये उसका एंड पॉइंट है एंड ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आप देख ही रहे हो येस और नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दिख रहा है क्या मेरे भाई कितना डिस्टेंस है फिफ्टीन किलोमीटर्स कोई डाउट है क्या नेक्स्ट सुधा ट्रेवल्स एट किलोमीटर्स टू द साउथ तो मान लो ये सुधा का स्टार्टिंग पॉइंट है सुधा का स्टार्टिंग पॉइंट है एट किलोमीटर्स टूअर्ड्स साउथ एट किलोमीटर्स टूअर्ड्स साउथ उसके बाद शी टर्नस राइट तो इसका राइट टर्न है क्या बराबर है एंड वॉक्स बोलो फोर किलोमीटर्स ये फोर किलोमीटर है सही है देन बोलो शी टर्न्स टू हर राइट एंड वापस कितना जाती है वो एट किलोमीटर्स तो समझो ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग समझो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये ध्यान दे रहे हो क्या ये स्टार्ट पॉइंट है ओके आठ किलोमीटर नीचे आई फिर बराबर है ना ये इधर फिर इधर बराबर है ना फिर फाइनली एट किलोमीटर्स ऊपर गई ना हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बोलो ये उसका एंड पॉइंट है तो बोलो एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फोर किलोमीटर्स बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है कि आपको कुछ अब ये कोई घर से याद करके जा सकते हैं आप नहीं तो पता चला एग्जाम हाँ सुधा चार किलोमीटर होने वाला है क्या फ्रॉम माई हाउस आई वॉक फाइव किलोमीटर टूअर्ड्स नॉर्थ तो समझो ये मेरा घर है हाउस फाइव किलोमीटर टूअर्ड्स नॉर्थ फाइव किलोमीटर टूअर्ड्स नॉर्थ आगे बताओ देन आई टर्न राइट तो राइट right में कितना गया थ्री किलोमीटर्स अगेन आई वेंट वन किलोमीटर टू द साउथ तो ये वन किलोमीटर नीचे आया है या नहीं अगेन आई वन वन किलोमीटर टू द साउथ हाउ फार आई एम फ्रॉम माय हाउस एक मिनट अच्छे से ध्यान दो बच्चों अभी देखो एक एक मिनट ये नीचे का जो पहला वाला डॉट था ये मेरा हाउस है सही है ऊपर कितना गया वो पाँच किलोमीटर तो देखो ऊपर जो पाँच किलोमीटर गया इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ये फोर एंड ये वन नहीं समझा आपको एक फिर इधर लेफ्ट में कितना गया बोलो थ्री ये फोर किलोमीटर समझा क्या आपको ये यहाँ तक समझा क्या कितना था ये फोर किलोमीटर्स ऊपर कितना था ये वन किलोमीटर पाँच गया क्या फिर लेफ्ट फिर राइट में कितना कितना आया थ्री किलोमीटर नीचे वन तो ये भी कितना होगा थ्री किलोमीटर्स एंड ये उसका एंड पॉइंट है समझा क्या कहाँ गया वो कुछ बोला क्या उन्होंने नहीं? नहीं ये उसका एंड पॉइंट है तो बताओ अभी आप उसके घर से वो कितना दूर है ये सेवन किलोमीटर नहीं है समझा क्या अभी सेवन किलोमीटर मतलब तुम रोड से जा रहे हो वापस मैं आपको क्या बोला था एयर डिस्टेंस फाइनली वही पकड़ा जाएगा तो बताओ दिस इज क्वेश्चन मार्क बराबर है तो कहना है टोटल इज इट सिक्सटीन प्लस नाइन इज इट ट्वेंटी फाइव डेफो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर सही है क्या वो कितना दूर है अपने घर से पाँच किलोमीटर यस और नो अपने घर से पांच किलोमीटर दूर है वो समझा भाई टफ था ये वो क्वेश्चन मार्क मतलब आइस गुड हाइपोटेनिस था ना वो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ओके रामा या रामा रामा लेफ्ट होम एंड वॉक फाइव किलोमीटर साउथवर्ड्स चलो ये उसका घर है समझो सही है फिर घर एंड फिर उसके बाद फाइव किलोमीटर कहाँ साउथ तो चलो फाइव किलोमीटर साउथ में बराबर है देन टर्न राइट तो राइट मतलब यही ना एंड वॉक कितना बोलो टू किलोमीटर्स देन टर्न राइट एंड वॉक बोलो फाइव किलोमीटर्स यस और नो फाइव किलोमीटर्स उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक इधर ना फाइव किलोमीटर्स सही है हाउ मनी किलोमीटर्स ही विल हैव टू वॉक टू रीच हर होम स्ट्रेट तो ये उसका एंड पॉइंट है समझा क्या तो एंड पॉइंट से उसका घर कितना किलोमीटर है बताओ समझाया नहीं तो डिस्टेंस फ्रॉम बोलो एंड पॉइंट टू होम करेक्ट है इज इक्वल टू कितना रहेगा फाइव किलोमीटर्स प्लस टू किलोमीटर टू कहां से लाए आप लोग ये नीचे टू था ना तो ये भी टू ही रहेगा ना फिर आंसर इज सेवन किलोमीटर्स ऑप्शन बी सेवन किलोमीटर्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तो ये पहले इधर आई थी बराबर है ना फिर इधर फिर इधर फिर फाइनली ऐसे गई थी ये डायरेक्शन आप लिख रहे हो कैसे था होम से पहले नीचे आई, फिर लेफ्ट बराबर है ना फिर ऊपर फिर लेफ्ट एंड एंड पॉइंट पे पहुंची थी तो होम से उसका डिस्टेंस कितना है अभी सेवन किलोमीटर नेक्स्ट फेसिंग द ईस्ट फेसिंग द ईस्ट तो ये ईस्ट डायरेक्शन है ना बोलो फेसिंग गोपी वॉक्स स्ट्रेट हाउ मेनी किलोमीटर फोर किलोमीटर्स मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है फोर किलोमीटर्स टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स थ्री किलोमीटर लेफ्ट टर्न लिया क्या एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फोर किलोमीटर तो फेवरेट क्वेश्चन है उनका है कि नहीं हाउ फार ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ये उसका स्टार्ट पॉइंट है एंड ये ऊपर का जो है एंड पॉइंट है तो बोलो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है थ्री किलोमीटर स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट का डिस्टेंस इज थ्री किलोमीटर्स सही है बच्चों तो क्या लगता है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे क्या नेक्स्ट पुरान एंड खान स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन तो मान लो कि ये उनका ऑफिस है ओके तो समझो ये साइड में ऐसे मान लेते हैं कि पुरान गया अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना वो, एंड ये साइड में खान जा रहा है ठीक है ईच ट्रैवलिंग टेन किलोमीटर्स तो ये दस किलोमीटर इधर गया एंड ये दस किलोमीटर लेफ्ट में गया सही है ये सेंटर में उनका ऑफिस है बराबर है ना प्राण देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स टेन किलोमीटर्स तो ये प्राण का लेफ्ट है क्या है क्या ये दस किलोमीटर है समझो एंड खान टर्न्स टू द राइट तो खान राइट में गया मतलब ये खान का राइट है दस किलोमीटर समझा क्या आपको ये हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर ट्वेंटी किलोमीटर्स आपको लगता नहीं सर बट अगर आपने इधर प्राण लिया होता इधर खान लिया होता तो भी यही आता तो इधर समझो ये डायरेक्शन में प्राण और इधर कान लिया होता तो फिर समझा ना दोनों नीचे आ जाते इक इसका राइट और इसका लेफ्ट सेम ही हो जाता ना फिर समझा क्या तो बता उन फाइनल डिस्टेंस बिटवीन प्राण एंड तो दे आर बोलो फाइनली बोलो ट्वेंटी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर अवे फ्रॉम बोलो ईच अदर फाइनली वो ट्वेंटी किलोमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे के ऑप्शन डी सही है क्या भाई ऑप्शन डी नेक्स्ट ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी ए गोज ईस्ट सॉरी वेस्ट वर्ड्स तो समझो ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी से कहां जा रहे हो वेस्ट वर्ड्स बराबर है ना कितना किलोमीटर्स तो समझो फोर किलोमीटर्स गया एंड देन टर्न्स टू हीज राइट तो राइट right में कितना गया फिर थ्री किलोमीटर फिर राइट right. उसके बाद हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो ये उसका एंड पॉइंट है सही है क्या तो बोलो एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस इज फाइव किलोमीटर्स तो समझो ये एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस एम है तो वेदर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर इज नाइन प्लस टू फाइव किलोमीटर्स ऑप्शन डी वो स्टार्टिंग पॉइंट से पांच किलोमीटर दूर है सही है भाई पक्का क्या नेक्स्ट साइक्लिस्ट गोज थर्टी किलोमीटर्स टू द नॉर्थ अ साइक्लिस्ट गोज कितना किलोमीटर बोलो थर्टी किलोमीटर्स टू द नॉर्थ नॉर्थ में थर्टी किलोमीटर्स तो मान लो कि ये साइकिलिस का स्टार्टिंग पॉइंट है चलो और दो हंड्रेड तक अभी सॉल्व करेंगे उसके बाद ब्रेक लेंगे चलेगा क्या नाइन्टी सिक्स नाइन्टी पाँच क्वेश्चन अभी सॉल्व करते करेगा नाइन्टी सिक्स से हाँ बोलो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको साइक्लिस गोज थर्टी किलोमीटर्स टूअर्ड्स द नॉर्थ तो नॉर्थ में थर्टी किलोमीटर्स गया नॉर्थ में कितना गया थर्टी किलोमीटर्स देन टर्नस बोलो ईस्ट ईस्ट में कितना गया फिर ये ईस्ट सही लिया है क्या मैंने फोर्टी किलोमीटर्स अगेन टर्न्स टू ईज राइट एंड गोज ट्वेंटी किलोमीटर्स करेक्ट है आफ्टर दिस टर्न्स टू द राइट एंड गोज फोर्टी तो राइट right में फोर्टी किलोमीटर्स मतलब इधर जा रहा है समझा क्या येस और नो हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा एक मिनट वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर कितना किलोमीटर गया था तीस गया था ना वो तीस को मैं थोड़ा सा लिखते वक्त अलग लिख रहा हूँ अब दिख रहा है क्या ये तीस में से ये बीस है और ये कितना है दस है समझा क्या अब बताओ ये जो सर्कल किया हुआ है फाइनली ये उसका एंड पॉइंट है नहीं समझा आपको ये ये उसका एंड पॉइंट है डू यू एग्री एंड स्टार्टिंग पॉइंट तो दिखी रहा है आपको ये तो बोलो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है टेन किलोमीटर्स पहले ऊपर गया तीस किलोमीटर दिख रहा है क्या फिर राइट टर्न लिया चालीस फिर लेफ्ट टर्न लिया बीस फिर लेफ्ट टन लिया चालीस सही है क्या तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है टेन किलोमीटर समझ रहे क्या बेटा अ मैन ट्रेवल्स थ्री किलोमीटर इन द ईस्ट थ्री किलोमीटर इन द ईस्ट तो ये ईस्ट सही है क्या थ्री किलोमीटर ईस्ट में गया देन टर्न साउथ एंड मूव फोर किलोमीटर क्या बेसिक क्वेश्चन है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका एंड पॉइंट है ये बराबर है ना एंड स्टार्ट पॉइंट तो दिख ही रहा है यस और नो बोलो कितना डिस्टेंस है दोनों में सपोज ये डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वेयेर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्र दैट इज ट्वेंटी फाइव देर फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए है क्या 98 अमित ताते ट्रैवल्स 8 किलोमीटर स्टवर्ड्स नॉर्थ तो ये पॉइंट है एंड समझो 8 किलोमीटर गया नॉर्थ में 8 किलोमीटर गया नॉर्थ में देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 3 किलोमीटर तो लेफ्ट में 3 किलोमीटर गया चलो पहले ये 8 था ऐसे समझो ध्यान दे रहे हो क्या सपोज ये पहले का 8 किलोमीटर था लेट से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट सही है क्या बोलो 3 किलोमीटर कहाँ लेफ्ट में गया क्या थ्री किलोमीटर्स टू द लेफ्ट हाँ देन एट किलोमीटर्स टू द नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स थ्री किलोमीटर्स देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स फोर किलोमीटर्स तो ये ऊपर जा रहा है फोर राइट right में फोर जा रहा है ना हाँ फिर उसके बाद टर्न्स राइट एंड अनदर थ्री किलोमीटर्स ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग चलो तो अमित को नीचे शिफ्ट करते ओके स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में कितना गया एट किलोमीटर्स फिर उसके बाद लेफ्ट में कितना थ्री किलोमीटर्स फिर राइट right. कितना फोर किलोमीटर्स फिर राइट right. कितना थ्री किलोमीटर्स करेक्ट है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो ये उसका एंड पॉइंट है ये उसका एंड पॉइंट है तो देखो एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एट किलोमीटर्स प्लस फोर किलोमीटर तो ये पहले इधर गया फिर इधर बराबर है ना फिर इधर टर्न इधर टर्न मारा सही है तो डिस्टेंस कितना है बोलो डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट इज इट एट किलोमीटर्स प्लस फोर किलोमीटर्स इज इट एट किलोमीटर्स प्लस फोर किलोमीटर्स आंसर इज आंसर इज ट्वेल्व किलोमीटर्स एट प्लस फोर ट्वेल्व किलोमीटर्स ऑप्शन सी तो नाइन्टी एट का आंसर इज ऑप्शन सी नाइन्टी एट का आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट मितान ट्रैवल ट्वेल्व किलोमीटर्स साउथ वर्ड्स तो चलो साउथ में कितना गया हो ट्वेल्व किलोमीटर्स सही है एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल टेन किलोमीटर्स लेफ्ट लिया और ट्रेवल कितना किया दस किलोमीटर देन ट्रैवल लेफ्ट बराबर है ना ये सर देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल ट्वेल्व किलोमीटर्स वापस लेफ्ट लिया उसने और बारह किलोमीटर गया हाउ फार मितान इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टेन किलोमीटर्स तो ये इंस्टीट्यूट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये समझता कि उनको लगता है इससे बहुत वो स्टूडेंट का आईक्यू चेक कर रहे हैं टेन किलोमीटर्स है कि नहीं स्टूडेंट भी आजकल उसी कैटेगरी के हैं न ट्रेवल टेफ्ट ओ यह तो नहीं होगा नहीं आउट ऑफ सिलेबस दो दो बार लेफ्ट तो अलाउड ही नहीं है नहीं। भंडारी ट्रेवल फिफ्टीन किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो यहां से वो पंद्रह किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, तो है कह गए पंद्रह किलोमीटर ईस्ट में उसके बाद टर्न टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ में कितना गया 15 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया बोलो एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर्स टूअर्ड्स वेस्ट फिर वेस्ट में पंद्रह किलोमीटर गया एस और नोम एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर बराबर है ना हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट समझा क्या 15 किलोमीटर्स कोई डाउट है इसमें ये उसका था स्टार्ट पॉइंट ये बाद में इधर गया इधर आया बराबर है ना उसका एंड पॉइंट एंड ऑबियसली डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर्स ठीक है समझा यहाँ तक एक 10-15 मिनट्स का टी ब्रेक लेते हैं उसके बाद विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस चलेगा बच्चो थैंक यू वेरी मच